another massive hit. आखिर ये था क्या? मतलब जिसने भी देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई. और यकीन मानिए, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जितने भी एसआरके के हिटर है, जितने भी केकेआर टीम के हिटर है, आज उनकी आंखें बंद होने का नाम नहीं ले रही है. फलफल कर रही है और बार बार वो स्कोर पे देख रहे हैं कि आखिर 272 रन कैसे मार दी केकेआर ने. आप सभी को बता दूं, आज केकेआर अपना आईपीएल का तीसरा मैच जीत गई. अब जीती से कोई फर्क नहीं पड़ता, केकेआर जीतते रहती है. लेकिन जिस लेवल पे बैटिंग की गई ना और जिस लेवल पे नारायण ने बैटिंग की ना, सबसे बेस्ट तोहफा दिया एसआरके को मैदान में आने का. क्योंकि आज एसआरके किंग खान भी अपने टीम का मैच देखने आए थे और इससे अच्छा तोहफा कभी एसआरके को केकेआर टीम ने नहीं दिया होगा. अब क्या वो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे को फटाफट दे देता हूँ, क्या क्या हुआ और कितने रन मारे, कितने छक्के मारे नारायण ने और इतना बवाल क्यों मचा सोशल मीडिया पर नारायण को लेकर, केकेआर टीम को लेकर. क्योंकि एसआरके के हेटर की और केकेआर टीम के हेटर की जल के राख हो चुकी है और इन्फॉर्मेशन जानने के बाद डबल से जल के राख होने वाली है. तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे इस तरह के अपडेट लाते रहता हूँ. तो सबसे पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए. पहले मैं आपसे को फटाफट बता देता हूँ, केकेआर का आज तीसरा मैच था, वो भी दिल्ली के साथ. अब सब लोग समझ रहे थे कि भाई ये नॉर्मल मैच होने वाला है, बहुत से बहुत केकेआर पहले बैटिंग करके 180 रन मारेंगी, 190 रन मारेंगी, उसके ऊपर रन नहीं मार सकती. लेकिन उनको नहीं पता था कि आज एक अनोखा रिकॉर्ड बनने वाला और आईपीएल का ये पहला सीजन रहेगा जहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड केकेआर टीम ने बनाया. मतलब कंटिन्यू आपसे दादू, इस आईपीएल के अंदर ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि 250 के ऊपर रन बनाए गए. पहले आरसीबी ने बनाई 277 शायद, और अब इन्होंने 272 रन बनाए. और रन बनाने के पीछे केकेआर का सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारे नारायण भैया को जाता है, जो सिर्फ एक बॉलर कहलाते हैं, जिनके बारे में ऐसा बोला जा रहा था अभी जब उनके डाउन मतलब चल रहा था, उनका डाउन करियर चल रहा था, कई सारे लोग बोले थे अब ये कोई काम का नहीं, ये केकेआर टीम पे बोझ है, ये कोई काम का नहीं रहा. पहले इन्हें बॉलिंग बैटिंग की है 2016 में 2017 में, लेकिन अब इसके अंदर कोई दम नहीं है. लेकिन जैसे ही आईपीएल का ये वाला सीजन शुरू होता है उसके बाद नारायण अपना पावर दिखाते, कुछ ही बॉलों के अंदर कुछ रन मार देते, शायद आप सभी को बताऊंगा. लेकिन आज जो बैटिंग की ना, इनकी बैटिंग देख के खुद एसआर के खड़े होकर थाली बजाते, किंग खान थाली बजाते, अपना में बड़ी बात है. और आप जान लीजिए कि बैटिंग किस लेवल पे की, तो आप सभी को बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 140 बॉल, 30 और 9, हेटर्स याद रखिए, 30 और 9 सिर्फ 140 बॉल के अंदर 7 छक्के मारे और 7 चौके मारे. मतलब आप शॉट पकड़ लीजिए, 14 शॉट मारे, मतलब 7 छक्के और 7 चौके मारे, मतलब 140 बॉलों के अंदर 14 शॉट मारे, जो कि अपना में बड़ी बात होती है, वो भी एक बॉलर कहलाने वाले आदमी के लिए. लेकिन आप सब बता दो, इनके बॉलर जो रन मारे 85 रन, जो कि बड़ी बात होती है, बड़े से बड़ा बैट्समैन ये रिकॉर्ड नहीं बनाता जो नारायण ने बनाया, अपना में बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है. और सबकी आंखें आज खुली की खुली रह गई थी. एसआरके को इतना अच्छा तोहफा कभी नहीं मिला होगा अपने टीम को, मतलब चेयर करने जब भी आते हो मैदान के अंदर, तो अभी तक केकेआर टीम को इतना अच्छा तोहफा नहीं दी होंगी केकेआर टीम ने जो आज दिए. तो ये देखकर जितने भी एसआरके के हेटर है, केकेआर टीम के हेटर है, उनकी जल के राख हो चुकी. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप भी जाइए इस वीडियो को उन तक शेयर करें, उनको बताइए कि भाई केकेआर टीम के एक बॉलर के अंदर इतनी ताकत है कि वो 272 तक के स्कोर तक पहुंचा सकता है. ट्रॉफी क्या चीज़ है? तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर, उतना फैलाए ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे, एसआरके के हेटर तक, एसआरके के दुश्मन तक, केकेआर टीम के दुश्मन तक के ये वाला वीडियो जरूर पहुंचे. जहां पे आप सब बता दो, बाकी खिलाड़ियों ने भी अच्छा किया, जहां पे क्या बोलेंगे अंदर रसल ने भी अच्छा किया, उसी के साथ एक और है जिसका नाम मुझे लेके नहीं आ रहा है, उन्होंने भी अच्छा किया. लेकिन जो सबसे अच्छा किया वो भाई एक ही नाम है, नारायण ने अच्छा किया. तो इसी पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताया, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाए ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि भाई आप केकेआर नहीं रुकने वाली. इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए.